बालिका को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के लिए विवश करने वाली महिला आरोपियों सहित दुष्कर्म में शामिल पांचों आरोपी गिरफ्तार। महिला अभियुक्त लक्ष्मी सेन पूर्व में अवैध शराब के प्रकरण में भी रही है लिप्त। दिनांक 29 अप्रैल 2024 को महिला थाना में अपने परिजनों के साथ आई 15 वर्षीय बालिका की चार आरोपियों द्वारा गलत काम करने की रिपोर्ट में महिला थाना में भारतीय दंड विधान एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिशीघ्र संबंधित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए एवं प्रकरण की मॉनिटरिंग निरंतर की जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नामजद आरोपी आकाश प्रजापति, सागर अहिरवार, अर्जुन अहिरवार एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को बाल सुधार गृह एवं उक्त अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा अपराध अनुसंधान में विभिन्न पहलुओं पर जांच की गई। बालिका को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। काउंसलिंग में बालिका के कथनों एवं साक्ष्यों में यह स्पष्ट हुआ कि पठौनी मोहल्ला निवासी लक्ष्मी सेन ने उक्त आरोपियों से पैसे लेकर ब्लैकमेलिंग की धमकी देकर गलत काम करवाया गया था। प्रकरण की मुख्य आरोपी लक्ष्मी सेन निवासी पठौनी मोहल्ला जिला छतरपुर को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्ता द्वारा किया गया कुकृत्य स्वीकार किया गया। महिला अभियुक्ता लक्ष्मी सेन थाना सिविल लाइन के प्रकरण अवैध शराब अपराध में लिप्त रही है। अभियुक्ता को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। उक्त कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री, प्रधान आरक्षक बबली, प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद, आरक्षक जितेंद्र नरेश पटेल, कुलदीप सिंह रोहित तथा महिला आरक्षक सुखवती की मुख्य भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।